हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बॉटम वियर फ्रॉम मीशो। हमें कुर्तीज़ के साथ नीचे कौन सा बॉटम पहनना चाहिए, कितना फ्लेयरी होना चाहिए। इसमें नैरो वी है और ट्राउज़र टाइप वी है। तो ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स, इनको हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वही ये ग्रे कलर में होने वाला है, लाइट सा ग्रे कलर, ऐसा कलर है ये। इसका ना फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाऊँ इसका फ्लेयर। ये देखो, ये एक लेग का है, इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। तो प्लाजो में आपको साथ में डोरी भी मिलती है टाई करने के लिए, सेम प्लाजो वाले कपड़े में ही है। और इलास्टिक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आपको साथ में ट्राई ऑन हॉल दिखा दूंगी कि इसका लुक जो कैसा आ रहा है। काफ़ी अच्छा है, लाइट वेटेड है, समर्स में आप आसानी से इसको वियर कर सकते हैं। और एयरी भी है, तो आपको ऐसे नहीं है स्वेट की प्रॉब्लम रहेगी, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लैक कलर में ट्राउज़र टाइप पैंटर प्लाजो कहते हैं जिसको, ये है। इसकी ना जो इसकी खास बात क्या है, इसके बॉटम में नीचे से ये वाली लेस डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पे आपको इस तरह का पैटर्न मिल जाता है, ये वाला ऐसा आपको पैटर्न मिल जाता है। और ये लेस डिटेलिंग की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है नीचे पैर पे। इसमें आपको बोथ साइड पॉकेट भी मिलती है, लेकिन पॉकेट का कोई काम है नहीं, आप इसमें कुछ नहीं रखो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें इतनी सी पॉकेट है और काफ़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, पॉकेट की लेंथ थोड़ी कम है, हाथ भी नहीं जा रहा, सिर्फ फिंगर्स तक की इतनी सी पॉकेट है छोटी सी। बोथ साइड आपको इलास्टिक मिल जाता है, ये मैंने कल वियर किया हुआ था। और ये इसमें ऐसे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आपको प्राइसेस और ट्राई हॉर्न वगैरह मैं साथ में शो कर दूंगी। नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा है। जब मैं ये वियर करती हूँ ना, लोग पैक पूछते हैं कभी बार कभी कि मैंने स्कर्ट वियर किया हुआ है। ये है रेड कलर में, काफ़ी अच्छा है। ये प्लाजो है, इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा अच्छा है, जब आप वियर करते हो ना ऐसा लगता है आपने स्कर्ट वियर की हुई है। ये देखो, ये है प्लाजो, ये देखो है प्लाजो, इसका एक ही फ्लेयर कितना ज़्यादा है। ये देखो, यहाँ से बेल्ट में आपको ये वाली प्लेट्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से स्कर्ट वाली लुक देती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बोथ साइड दोनों में इसमें इलास्टिक है। जो फ्रंट वाला है, ये फ्रंट है, यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ से, यहाँ पे पीछे बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पे सीन वाला जो है ना, सिलाई वाला, वो डिटेलिंग है। इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है यार, देखो ये मैं आपको वियर करके दिखा दूंगी, तब आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। कपड़ा इसका ठीक है, लाइक्रा में है, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलता, ये सिंपल ही है। कई पूछते हैं मैं अंदर भी लाइनिंग वगैरह दी गई है या नहीं, नहीं सिंपल कपड़ा है ये, इसी कपड़े से बना हुआ है। और ये फ्लेयरी है, स्कर्ट लुक में है ये। और ये हमारा होने वाला रेड कलर का, आपको हर कलर में मिल जाएगा, मतलब मैंने हर कलर में लिया हुआ है। ये प्लाजो बॉटम भी है, हमें कुर्तीज़ के साथ कैसे और शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ वियर करने के लिए। नेक्स्ट है ये चिकनकारी वाला, बहुत से लोगों ने लिया होगा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी मिल सकता है। आप जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। ये व्हाइट कलर में होने वाला है, ये है चिकनकारी वाला, ये देखो आप। बोथ साइड आपको इलास्टिक मिल जाती है इसमें, इसमें कोई पॉकेट्स नहीं है, ये थोड़ा सी थ्रू लगता है। आप लॉन्ग कुर्ती के साथ वियर करो तो ज़्यादा अच्छा है, नीचे से काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी गई है। वॉश करने के बाद कभी कभी थ्रेड निकल सकता है, लेकिन ये इसका भी काफ़ी अच्छा लुक मिलता है हमें। डार्क कलर की कुर्तीज़ के साथ या फिर सैटिन वाली कुर्तीज़ के साथ आप इसको वियर करो, और चिकनकारी वाली कुर्ती के साथ तो अच्छा लगता ही है। और मतलब जो जो आइडिया मैं दे रही हूँ, आप उनके साथ वियर करोगे तो काफ़ी अच्छा। ये इसका लेंथ देखो, फ्लेयर देखो, काफ़ी अच्छा है, लूज फिट में है ये, ठीक है, आपको इश्यू नहीं रहेगा। मैंने ये सारे एक्सेल साइज में परचेज किए हुए हैं, आपको साइज और भी मिल जाएंगे, कलर भी और मिल जाएंगे।
आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, ये मैंने कॉम्बो में लिया था, ये दो है, ये प्लेट्स वाला पैटर्न है सारे में, फ्लेयर भी इसका ठीक है। आप कुर्तीज के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, शॉर्ट कुर्ती, और आप इसको टी शर्ट के साथ भी घर में वियर करने के लिए वैसे भी ले सकते हो। इसके साथ आपको डोरी मिलती है जो ठीक है, और इलास्टिक मिलती है बोथ साइड, दोनों साइड बाकी सेम है। ये इसका प्लेट्स वाला पैटर्न है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर भी है इसका, लूज फिट में ही है ये, काफ़ी कंफर्टेबल है ये भी समर्स के लिए। ये मैरून कलर में था और सेम ही सेम पैटर्न में ये हमें डार्क ग्रे कलर है। ये देखो दोनों साइड हमें इलास्टिक मिलता है, और ये हमें अंदर डोरी भी मिलती है, काफ़ी अच्छी लेंथ है, मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये एक्सेल साइज में है। कलर्स और भी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट और माय फेवरेट इज दिस ब्लैक बॉटम, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, फ्लेयरी बूट कट वाला ब्लैक बॉटम। इसको मैंने ब्लैक कलर में लिया है, बोथ साइड इलास्टिक है, हाई वेस्टेड है, और इसका ये आगे वाला, ये वाला पैटर्न है यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पर आगे ना एक डिटेलिंग दी गई है सिलाई में ही, काफ़ी अच्छा लाइक्रा वाला कपड़ा है इसका। इसका फ्लेयर नीचे से ये देखो, बाकी आपको साथ में ट्राई ऑन हॉल में दिखा दूंगी, आपको उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। और लास्ट है मेरे पास नेवी कलर में प्लाजो, फ्लेयरी है काफ़ी अच्छा, ये देखिए ऑलमोस्ट सभी कलर हैं इसमें, पिंक को छोड़कर सभी कलर्स ही हो गए इसमें, ब्लैक दो हो गए ना इसमें। तो ये बोथ साइड इलास्टिक मिल जाता है हमें, और ये ठीक है कपड़ा भी इसमें, और इसका फ्लेयर और जो ये हमारा पैर वाली जो है काफ़ी अच्छा है। ये देखो इतनी है इसकी, ये वाली लेंथ दी गई है, अगेन इसका साइज एक्सेल है, इसमें और भी कलर्स आपको मिल जाएंगे, और ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप लूज फिट पहनते हो, अगर फिटेड पहनते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना साइज चूज कर सकते हैं। अगर साइज में कोई दिक्कत हो जाती है आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा आज का हॉल वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप में को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा परचेज करना चाहोगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।